वेलकम टू सपनास किचन। आज हम फ्रेंड्स बनाने जा रहे हैं बेसन की बूंदी। बेसन की बूंदी बनाने के लिए हम पहले चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कप चीनी यहाँ पर पीसी हुई चीनी ली है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक ही कप पानी ले लिया है और अब हम चाशनी बनाएंगे। ये मैं थोड़ा सा नींबू का सत ले रही हूँ, ये अब इसमें जाएगा ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चाशनी में थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये चाशनी हमें किसी तार की नहीं बनानी। अब हमारी चाशनी लगभग बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे बेसन का घोल, जिसके लिए मैंने एक कप बेसन को ले लिया है और इसे हम छान कर लेंगे। ये बेसन को हमने छान लिया है। अब हम घोल बनाने के लिए यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी लेंगे और ये थोड़ा थोड़ा करके इसका हम एक पतला घोल बना लेंगे। ये जो पानी है आधे कप से थोड़ा ज़्यादा है और एक कप से थोड़ा सा कम है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पानी ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एक पिंच के लगभग फूड कलर हम इसमें भी ऐड करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इसी प्रकार की होनी चाहिए, ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब हम बेसन को झरन पे डालेंगे और बूंदियाँ हमारी ऊपर से इतने आप नीचे गिरेंगी और बिल्कुल गोल गोल शेप में ये बनेंगी। देखिए हमारी बूंदियाँ बनकर तैयार हैं। ये जो बूंदी हैं, जितनी एक बार में तेल के अंदर आए हमें उतनी बूंदियाँ डालनी है और फिर उसके बाद झरन को धोकर फिर दोबारा से हम इसके अंदर बाकी बची हुई बूंदियाँ ऐड करेंगे और बूंदी बनने के बाद हम फिर इसे चाशनी के अंदर डाल देंगे। अब देखिए ये बूंदियाँ हमारी अच्छी तरह से पक गई हैं, अब इन्हें हम चाशनी में डाल देंगे और इन्हें हम 3 से 4 मिनट तक चाशनी में ही पड़े रहने देंगे और उसके बाद एक छलनी में से छान कर इन्हें हम निकाल लेंगे। इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो निकल जाएगी और बूंदी हम इसमें 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारी रसीली रस भरी बूंदी बनकर तैयार है। ये बहुत ही बढ़िया गज़ब की बूंदी बनी है।